माय नेम इज शिवान बसीना एंड वेलकम बैक टू द इन्वेस्टर लॉजिक। सो गाइस, आज की मार्केट बिल्कुल सही गई थी। आज हम लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करना था, मार्केट के अंदर कोई ट्रेड नहीं लेना था। एंड हम लोगों ने देखा था एक ह्यूज गैप डाउन के बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे गई, पर 15 मिनट की कैंडल ऊपर ही जाके क्लोज करी। और हमने बोला था स्टार्टिंग के 15 मिनट से वो ऑब्जर्व करना, अगर आप लोग ट्रेड लेना भी चाहते हो तो 15 मिनट के बाद ही कोई ट्रेड लेना। 15 मिनट में एक बुलिश हैमर कैंडल बनी, मार्केट ऊपर गई, एक टर्न अराउंड देखने को मिला, बट ऊपर भी हम लोगों ने एक फिबोनाची ड्रॉ करा था 61% का। एग्जैक्टली वहां से मार्केट नीचे आना भी स्टार्ट करी। सो मार्केट में अच्छा हुआ था, ना ज्यादा पॉजिटिव ना ज्यादा नेगेटिव, बट हमारे बीच में कल बात हुई थी कि अगर इसी लेवल के आसपास क्लोज होता है तो हम लोग ट्यूजडे को भी ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट के डायरेक्शन कहाँ होगी। बिकॉज मार्केट आज नीचे भी गई, मार्केट आज ऊपर भी गई, बट एग्जैक्टली मिड पे जाके क्लोज करी है। सो मेरे हिसाब से अभी मार्केट पे एक ट्रेंड अभी तक नहीं आया ऑन अ बियरिश साइड और ऑन अ बुलिश साइड, तो हम लोग कल भी मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक डेफिनेटली रहने वाले हैं। सो मैंने आप लोगों के लिए ना एक बहुत बढ़िया सी 3 स्टॉक सेलेक्ट करे जो मैंने इंस्टाग्राम के अंदर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। कल या परसों तक मैं आपके सामने यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा वो स्टॉक, वो सेक्टर। बेसिकली हमें पता है कि कोविड, और मुझे लगता है कि हम लोगों को लग रहा है दोबारा आ सकता है, एंड टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से टेस्टिंग और ज़्यादा हो रही है। तो उस सेक्टर में कौन से बेस्ट 3 स्टॉक्स हैं जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड, वो 3 स्टॉक्स ऑलरेडी हम लोगों ने आज इंस्टाग्राम पे डाल दिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप 2 दिन वेट कर सकते हैं, एंड यूट्यूब पे भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। इसके अलावा 2 स्टॉक्स ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम पे एज अ BTST दे दिए थे, इट्स अ रिलायंस एंड इप्का लैब। और आज देखते हैं कि 1-2 स्टॉक्स ही फाइंड करेंगे, 3-4 तरफ की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्केट को एक ट्रेंड पता लगाना है हमें और उसके बेसिस पे ही एक ट्रेड फाइंड करेंगे। सो अभी के लिए मार्केट स्टेबल है, कल हम देखेंगे कोई स्टॉक्स मिलता है तो उसको लेंगे। BTST के लिए जो भी स्टॉक्स थे मैं दोबारा यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ, एंड उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, क्रिप्टो मार्केट पे अगर आप लोग ट्रेड नहीं करते हैं तो प्लीज स्टार्ट ट्रेडिंग, बिकॉज मेरा तो ऑलरेडी स्टार्ट था, बट मैं फ्यूचर्स के अंदर एंटर कर रहा हूँ। मैं फ्यूचर्स पे इक्विटी मार्केट पे भी ट्रेड नहीं करता, बट मैंने वहाँ पर अराउंड 160 समथिंग डॉलर के साथ इन्वेस्ट करा है, और मतलब ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ के साथ। एंड टुडे ऑल्सो आई मेड अराउंड 180-190, बट आई बुक्ड अर्ली बिकॉज जहाँ पर मैं जा रहा था वहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन नहीं था, एंड ऑलमोस्ट $800 to $900 का प्रॉफिट हो जाता, बट आई बुक्ड अर्ली, डोंट वरी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। टेलीग्राम पे अपडेटेड रहिएगा, वहाँ पर मैं और क्रिप्टोस के ट्रेड प्रोवाइड कराना स्टार्ट कराने वाला हूँ। उसके अलावा हमारी दोबारा सर्विस स्टार्ट होने वाली है दिसंबर से, जहाँ पर हम लोग आप लोगों को ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करवाते हैं, उसके अंदर क्रिप्टो मार्केट भी ऐड हो चुकी है। सो चलते हैं। ट्रेडिंग सेटअप पे आ चुके हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारा इप्का लैब। इप्का लैब में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक ट्रेंड तो पॉजिटिव है, ऑन कंटिन्यूअस बेसिस इट्स मेकिंग अ हायर राइज एंड हायर लोस। एंड अभी हुआ क्या, रिसेंटली पे एक ब्रेकआउट दिया था, आफ्टर दैट इट कम डाउन, पूरे लेवल तक ये डाउन आ चुका था, बट बहुत आराम आराम से आया था। बट आज के ट्रेडिंग सेशन पे हम लोगों ने देखा एक रेंज डेवलप हो रही थी, एक्जैक्टली एक सपोर्ट लेवल था, वहां पर एक बेस क्रिएट करा, एंड आफ्टर क्रिएटिंग अ वेरी गुड बेस और नीचे भी ट्रेंड लाइन को ब्रोक करा, एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, एक मार्केट में रिकवरी आई और एक बहुत बुलिश कैंडल बना के क्लोज कर चुकी है। रेंज का ब्रेकआउट अभी तक आया नहीं है, बट डेफिनेटली आ सकता है, तो एक बार 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। और 30 मिनट्स टाइम फ्रेम ये एक छोटा सा हर्डल है जो कि 1140 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। करंट प्राइसेस 2110 रुपीज़ का और 2140 का रेजिस्टेंस है। बट डोंट वरी, अगर कल मार्केट एक छोटी सी भी डिप देती है, ये पर्टिकुलर स्टॉक छोटा सा भी डिप देता है, तो एज अ BTST या फिर एज अ इंटरडे ट्रेड आप स्टॉक को लेकर चल सकते हैं। मुझे लगता है ये हायर रिटर्न्स दे सकता है और ऑलमोस्ट 2170-65 तक इजिली जा सकता है। स्टॉक को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड कर सकते हैं, स्टॉक का नाम है इप्का लैब। सो गाइस, हमारा दूसरा स्टॉक है TCS। TCS पे अगर आप देखेंगे तो एक और अच्छी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हम लोगों को ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस देखने को मिल रहा है। आफ्टर डैट आप देख सकते थे कि ये एक प्रीवियस स्विंग हाई था जिसका एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था, एंड पर्टिकुलर टाटा TCS के अंदर एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, एंड आफ्टर रैली ये नीचे आया। नीचे आने के बाद जो पहले इसके लिए एक रेजिस्टेंस था ना, जो वो लेवल ब्रोक करा था, वो लेवल इसके लिए एक सपोर्ट बन गया, और अब आप यहाँ देख सकते हैं इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने एक डबल बॉटम क्रिएट करा, एग्जैक्टली जो रेजिस्टेंस था आफ्टर गिविंग अ रीटेस्ट इट बिकम सपोर्ट एंड क्रिएटेड अ डबल बॉटम पैटर्न। अब डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करने के बाद आप देख सकते हैं ये हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी हुई है, इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब एक डबल बॉटम पैटर्न से रिवर्सल देखने को मिल रहा है, वी कैन एक्सपेक्ट कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 3550 तक तो मिनिमम इजीली जा सकता है, 50 पॉइंट की
रैली ये स्टॉक इजिली कर सकता है, तो स्टॉक को वॉचलिस्ट के अंदर जरूर ऐड करिएगा। अगर ऑन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम चेक करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, रीटेस्ट करा, अब ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पर हम लोगों को थोड़े बहुत हर्डल्स फेस होने को देखने को मिल सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली ये स्टॉक अच्छा काम कर सकता है। ये इसके लिए छोटा सा हर्डल है, और अगर इसके नीचे खुलता है गैप डाउन तो डेफिनेटली ट्रेड नहीं करना, और अगर इसके ऊपर ही रहता है सस्टेन करता है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ बाय। स्टॉक का नाम है TCS। अब सो गाइस हम लोग अपने निफ्टी के चार्ट सेटअप पे आ चुके हैं, एंड क्लियरली हम लोगों ने यहाँ पर एक सिंपल एनालिसिस जो करी थी वो करी थी कि ये टॉप है, ये बॉटम है, एक फिबोनाची ड्रॉ करा। अब हमने बात करी थी कि अगर ये 61% के ऊपर चले जाता और सस्टेन कर लेता तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय, और इसके प्रीवियस हाईस हमें देखने को मिल सकते हैं। बट हुआ क्या, ये एग्जैक्टली 61% के आसपास आया, हॉल्ट करा, सस्टेन करा बहुत टाइम, एंड आफ्टर दैट एक ब्रेकडाउन आया, नीचे आया, एंड अगेन एक ब्रेकडाउन आया। सो डेफिनेटली यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 61% का गोल्डन रिट्रेसमेंट रेशियो जो है वो एक रेजिस्टेंस की तरफ एक्ट कर सकता है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है ना 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, देन डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ बाय विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 17,230, और इसका जो ब्रेकआउट लेवल है दैट इज 17,150। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं अपने इस पर्टिकुलर लेवल को और ऊपर ले जाता हूँ फिबोनाची परसेंट को, तो यहाँ पर 50% के आसपास भी एक हर्डल देखने को मिल रहा है। एंड आफ्टर दैट अगर हम थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इस लेवल पे एक और हर्डल देखने को मिल रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर 17,150-160 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, 17,230-240 इज द टारगेट दैट वी कैन गो विद। सो आई थिंक अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, रेंज बाउंड ही है मार्केट, एग्जैक्टली अपने ये टॉप और अपने इस बॉटम के इन बिटवीन है, तो कोई ट्रेड नहीं है मेरे हिसाब से। कल भी ऑब्जर्व करेंगे, अगर कोई मार्केट के अंदर हलचल देखने को मिलती है आई विल पर्सनली सजेस्ट यू। इसके अलावा गाइस अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो गाइस बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं, एंड क्लियरली यहाँ पर भी सिंपल ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने करी थी, जो हम लोगों ने निफ्टी के अंदर करी थी अकॉर्डिंग टू फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सो ये हमारा टॉप है एंड ये हमारा बॉटम है। आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर इंडेक्स किस लेवल से रिवर्स हुआ था, एग्जैक्टली 61% पे ये स्टॉक आया था, वहाँ पर इसने एक विक क्रिएट करी थी, एंड उसके बाद एक कंटिन्यूस फॉल हमें देखने को मिली थी, और इसी लेवल से रिकवर करके 61% तक ही गई थी। सो मेरे हिसाब से ये लेवल एक क्रूशियल लेवल है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है तो ही हमें बाय करना है। इसके ऊपर 15 मिनट की क्लोजिंग तो हम लोग एक बाय सेटअप जनरेट कर सकते हैं इन निफ्टी और एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। शॉर्ट साइड पे अभी मत जाएगा, बिकॉज शॉर्ट साइड का ट्रेंड एक कंफर्मेशन और चाहिए, तो हम लोग कल पेशेंसली वेट करेंगे। कल का जो भी ट्रेंड रहेगा वही मार्केट का आने वाले 2-3 दिन का ट्रेंड डिसाइड करेगा। सो कल के मार्केट में हमें या तो बुलिश चाहिए या फिर डाउन ट्रेंड चाहिए, अदरवाइज अगर कल मार्केट भी दोबारा साइडवेज चली जाती है आज के ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, तो हमें दोबारा मार्केट के अंदर देखना पड़ेगा कि क्या एक्सपायरी भी साइडवेज हो सकती है या नहीं हो सकती है। एक बार ओपन इंटरेस्ट का डाटा चेक कर लेते हैं, FII का डाटा, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। सो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट मैंने कर लिया है ओपन, तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं सबसे पहले पुट चेंज दैट इज 14.2 मिलियन और कॉल चेंज 3.4 मिलियन। अब इस पर तो मैं ज्यादा भरोसा करूंगा नहीं, तो हम लोग नीचे आ जाते हैं। अगर हम नीचे आते हैं बिकॉज ये ऑलमोस्ट पूरे हिस्टोरिकल का बताता है, तो अगर हम लोग एक्सपायरी का देखें तो कॉल चेंज दैट इज 68.9 मिलियन और पुट चेंज 41.5 मिलियन। सो मेरे हिसाब से सिंपल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब मार्केट इज इन रेंज है। आप PCR भी देख सकते हैं, पुट कॉल रेशियो 0.6 दिखा रहा है, तो मतलब मार्केट इज इन रेंज बाउंड, ना ज्यादा ऊपर है ना ज्यादा नीचे है, रेंज बाउंड की बात चल रही है। अगर हम लोग चेक करें तो हाईएस्ट कॉल राइटिंग इज एट 17,300 और हैवी कॉल पुट राइटिंग हमें देखने को मिल रही है 16,900-16,800 के आसपास। सो मोस्ट प्रोबेबली अभी काम कर रहे हैं 17,050 पे, तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स नीचे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सपोर्ट है, एक बेस है, और ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस आ रहा है। सो डेफिनेटली अगर कल 150-140 को ब्रेक करता है और ऊपर क्लोज देता है तो 300 के आसपास तक के टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बैंक निफ्टी चेक करें तो बैंक निफ्टी में हाईएस्ट कॉल राइटिंग दैट इज एट 36,000, उसके नीचे अभी ट्रेड कर रहा है, तो कल पहली बात तो गैप अप देखने को नहीं मिलना चाहिए। दूसरी बात, हैवी पुट राइटिंग है 35,800 और 700 पे, तो वहाँ पर ऑन अ डाउन साइड भी एक सपोर्ट मिल सकता है, बट अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होगी तो यहाँ पर जितने भी ये कॉल राइटर्स आप देख रहे हैं ना, ये और अपने स्ट्राइक प्राइस को और अपर की तरफ शिफ्ट कर लेंगे और रेजिस्टेंस और रेंज और ज़्यादा कम हो जाएगी, इस बात को याद रखना। इसके अलावा पुट कॉल रेशियो भी एग्जैक्टली सेम है, कॉल और पुट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम लोग मान के चलेंगे मार्केट इज इन गोना बी अ साइडवेज। अगर हम लोग बात करते हैं FIIs डाटा की, और FIIs डाटा उन लोगों ने 79,000 की कॉल बाइंग करी हुई है, इसके अलावा 2.5 लाख क्वांटिटीज ऑन अ पुट बाइंग, सो मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है, बट इंडेक्स फ्यूचर के अंदर उन्होंने 2100 करोड़ की बाइंग करी हुई है।
ये कुछ ऑप्शन हो सकता है जिसकी वजह से कल मार्केट एक हलचल कर सकती है, तो इसको चेक करने वाली चीज होगी। इसके अलावा एफआईआईज ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस कैश को तो शॉर्ट कर ही रहे हैं, कैश से एग्जिट कर रहे हैं मार्केट से, और डीआईआईज परचेजिंग में परचेजिंग करे जा रहे हैं। बट देखना यह है कि ये कितने टाइम बाय कर सकते हैं और ये कितने टाइम शॉर्ट कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम लोग चेक करें तो डीएक्सवाई बढ़ रहा है, डॉलर यूएस डॉलर इंडेक्स, तो अगर वो बढ़ रहा है तो डेफिनेटली एफआईआईज के लिए यूएस में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद होगा रैदर देन इंडिया में इन्वेस्ट करना। तो अगर वो बढ़ते रहेगा तो ये लोग यहाँ से मार्केट से निकलते रहेंगे, इस बात को जरूर याद रखना। सो डीआईआईज को देखना है कि कौन सी नई पॉलिसीज या अभी कोविड के जो वेरियंट्स आ रहे हैं, अगर जो ये डर लगा हुआ है अगर वो और बढ़ता है तो शायद ये भी अपनी पोजीशन को एग्जिट करना स्टार्ट कर दे। सो गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कंसेप्ट सारे समझ में आए होंगे। तो अगर आप लोगों को और कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टेलीग्राम, वहाँ पर और अपडेट्स मिलते रहेंगे। प्लस फ्रॉम 6th of December हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी दोबारा से सर्विस जो हम लोगों ने रिज्यूम कर दी थी, एंड कर दी थी ऑन जुलाई को, अब दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सर्विस को। आई होप अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा, अगर आप लोग बिजी है, अगर आप लोगों को सीखने का मन नहीं है तो आप हमारी सर्विस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिए हम पढ़ाते भी हैं, और जो नहीं पढ़ना चाहते जिनके पास टाइम नहीं है उनका भी बेनिफिट होना ही चाहिए कहीं ना कहीं से। तो चलिए आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली।